मेरा खाना फिनिश्ड हो गया। अरे वाह, तुमने तो अपना लंच पहले ही फिनिश्ड कर लिया। वाओ। मम्मा, तो अब मैं जाऊँ अपने फ्रेंड के घर और मुझे उसके साथ खेलना भी है। ठीक है, तुम जाओ अपने फ्रेंड के घर, मगर जल्दी आना घर। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। मम्मा, आपको पता है यहाँ पे बहुत किडनैपिंग हो रही है। कल ही हमारे सोसाइटी में 2 बच्चे चोरी हुए, वो भी हमारी छोटी जैसी ही थी बिल्कुल। आप इसे अकेले कैसे जाने दे रहे हैं? यहाँ पे बहुत चोरी हो रही है, उसको मत जाने दीजिए बाहर। अरे बाप रे, कल ही 2 बच्चे चोरी हुए और मुझे तो पता ही नहीं था। ए लड़की, तुम अभी घर में रहोगी, कहीं बाहर नहीं जाओगी। चलो घर में तुम पढ़ाई करो। पर मम्मा, मुझे खेलना है। अगर तुम्हें खेलना ही है तो अपनी दीदी के साथ खेलो। नहीं खेलना मुझे इसके साथ, मैं जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही जाती है, मुझे तो कहीं जाने नहीं मिलता ही नहीं। बहुत ज्यादा बीच में आग लगाती है ना, मैं बदला तो लेके रहूंगी। मम्मा, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम को प्रैक्टिस करना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ ना? हाँ, तुम जा सकती हो, वैसे भी आप बड़ी हो चुकी हो। ओके मम्मा, बाय। सबसे पहले अपनी प्यारी गुड़िया बहन को एडवाइस देके आती हूँ पढ़ाई के लिए। तो ठीक है, तुम घर में पढ़ाई करो, मैं आती हूँ अपने फ्रेंड से मिलके। वैसे भी बहुत दिन हो गया मुझे अपने फ्रेंड के घर जाने में। बहुत ज्यादा बोल रही है ना, मैं भी तुझे बदला लेके आऊंगी। अरे जा रे, लेते रहना बदला। पर मेरा बदला तो कम्प्लीट हुआ ना, बहुत बोल रही थी, अब मेरा ही मतलब कंप्लीट हुआ। तो अब तक यहाँ खड़ी क्यों है, जब आ गया से। बाय डियर बहना, मैं चलती हूँ। अभी मेरा बदला लेने का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, इससे बदला लेना अभी बाकी है। ओ हेलो, इधर देख। अरे प्यारी बहना, इधर देख, क्या हुआ? पर मोबाइल चलाती रहती है, घर का काम तो कुछ करती नहीं है। आज तो डांटेंगे हम ये लड़की को। रीना, चल अपनी रूम की सफाई कर, बहुत दिन से गंदा है, सिर्फ मोबाइल चला रही है तुम। अरे मम्मा, कल ही तुम आ रही थी, मैं वहाँ झाड़ू उतना अच्छे से सफाई किया, बोल रही कुछ मैं साफ ही नहीं की हूँ, मैं साफ कर दी थी कल। ओ हाँ, इसलिए इतना वहाँ कचरा पड़ा है ना? अरे नहीं मम्मा, बस ज्यादा मत बोल और जल्दी जाके अपना कमरा साफ कर। मैं कितना अच्छा रील देख रही थी, मम्मा को अभी ही आना था, सफाई तो करनी पड़ेगी अब। पर मुझे मन नहीं कर रहा, अब कौन करेगा ये काम? मेरी छोटी बहन किस काम की है, वो कर सकती है ये काम। अरे मेरी प्यारी गुड़िया बहन, इधर देखो जरा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा मेरे रूम की सफाई करनी है। हैं? मैं क्यों करूँ तुम्हारे रूम में, तुम करो। अच्छा, तो मम्मा को मैं बता दूं कि 1 वीक पहले तुम्हारा टेस्ट हुआ था और उसमें तुम्हारे क्या मार्क्स आया था? Oh, no. अभी तक मैं छुपा के रखी हूँ, बोल भी सकती हूँ मैं, बता दूं क्या? क्या तुमको पता है? प्लीज मम्मा को मत बताना, तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी। तुम बहुत समझदार हो, जल्दी जाओ और मेरे रूम की सफाई कर दो, बस इतना ही करना है तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं कर दे रही हूँ, पर मम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बहुत महान बनती है ना इसका रूम, और मुझे तो आप करना पड़ रहा है ना। बड़ा रूम है, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं सफाई करना। अरे ये क्या है, ये तो कोई टेस्ट पेपर की तरह लग रहा है, देखने में तो दीदी का टेस्ट पेपर लग रहा है, जाके देखती हूँ किसका है। अरे ये क्या, ये तो दीदी का टेस्ट पेपर है, इतना कम मार्क्स, छी। चलो जल्दी से इसे उठा लेते हैं, और मुझे मौका मिल चुका है। अब मैं उससे काम कराऊंगी। अरे वाह, तुमने इतना जल्दी सफाई कर लिया। मुझे आपका टेस्ट पेपर मिला। कहाँ से मिला तुम्हें मेरा टेस्ट पेपर? और मम्मा को बताई तो सोच लेना तुम। और अब मैं चली मम्मा को बताने।
नहीं नहीं बहन, प्लीज प्लीज मम्मा को मत बताना, प्लीज मम्मा को मत बताना, तो वो मुझे और डांटेगी। तुम जो बोलोगी वो मैं कर दूंगी, प्लीज पर मम्मा को मत बताना मेरे बारे में प्लीज। अच्छा तो ऐसी बात है, अब मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा, अब तुम मेरे सारे पे चलोगी। देना वरना मम्मी को बोल दूंगी। चलो तुम काम पे लगे रहना, मैं आती हूँ अपनी फ्रेंड से मिलके। पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों हार जाती हूँ अपनी बहन से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाय एवरीवन, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो जल्दी जाके पार्ट वन देखो, वो भी बहुत अमेजिंग है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।